दोस्तों Redmi Note 14 सीरीज लॉन्च होने वाला है। इसका लॉन्च डेट इस लास्ट सितंबर के महीने में चाइनीज मार्केट में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एक महीने बाद आपको इंडियन मार्केट में भी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज हम इस स्मार्टफोन के कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं एक है Redmi Note 14 Pro, एक है Redmi Note 14 Pro Plus और इसमें आपको 6.67 इंच का 1.5K OLED 120Hz वाला पैनल देखने को मिल जाएगा। और बात करें परफॉर्मेंस का तो Redmi Note 14 Pro में आपको Snapdragon 7S Gen 3 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा और Redmi Note 14 Pro Plus में आपको MediaTek Dimensity 7350 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। एक रहेगा 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड होने वाला है। और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल या फिर 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। बात करें बैटरी के बारे में तो ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेंगे और प्रो में आपको 45 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है और प्रो प्लस में आपको 90 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है और IP69 की रेटिंग भी देखने को मिल सकता है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो Redmi Note 14 Pro का प्राइस 23,000 से 25,000 के आसपास देखने को मिल सकता है और Redmi Note 14 Pro Plus का प्राइस आपको 35,000 के आसपास देखने को मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, ये थे Redmi Note 14 सीरीज का कुछ डिटेल। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।